किसी ने क्या खूब कहा है, यूं ही नहीं अक्सर हम पर मुसीबत आती है, हमारे ही कर्मों का फल जिंदगी हमें लौटाती है। सोनल के साथ संडे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है दो अनमोल हीरे। एक सौदागर को बाजार में घूमते हुए एक अच्छी नस्ल का ऊंट दिखाई पड़ा। सौदागर और ऊंट बेचने वाले के बीच काफ़ी लंबी सौदेबाजी हुई और आखिर में सौदागर ऊंट खरीद कर घर ले आया। घर पहुंचने पर सौदागर ने अपने नौकर को ऊंट का काठी निकालने के लिए बुलाया। काठी के नीचे नौकर को एक छोटी सी मखमल की थैली मिली, जिसे खोलने पर उसे कीमती हीरे जवाहरात भरे होने का पता चला। नौकर चिल्लाया, मालिक आपने ऊंट खरीदा लेकिन देखो इसके साथ क्या मुफ्त में आया है। सौदागर भी हैरान था, उसने अपने नौकर के हाथों में हीरे देखे जो कि चमचमा रहे थे, सूरज की रोशनी में और भी टिमटिमा रहे थे। सौदागर बोला, मैंने ऊंट खरीदा है न कि हीरे, मुझे उसे फौरन वापस करना होगा। नौकर मन में सोच रहा था कि मेरा मालिक कितना बेवकूफ़ है, बोला, मालिक किसी को पता नहीं चलेगा, पर सौदागर ने एक न सुनी और वह फौरन बाजार पहुंचा और दुकानदार को मखमली थैली वापस दे दी। ऊंट बेचने वाला बहुत खुश था, बोला, मैं भूल ही गया था कि अपने कीमती पत्थर मैंने काठी के नीचे छुपा कर रख दिए हैं, अब आप इनाम के तौर पर कोई भी एक हीरा चुन लीजिए। सौदागर बोला, मैंने ऊंट के लिए सही कीमत चुकाई है, इसलिए मुझे किसी शुक्राने और इनाम की ज़रूरत नहीं है। जितना सौदागर मना करता जा रहा था, ऊंट बेचने वाला उतना ही जोर दे रहा था। आखिर में सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, असलियत में जब मैंने थैली वापस लाने का फ़ैसला किया तो मैंने पहले से ही दो सबसे कीमती हीरे इसमें से अपने पास रख लिए थे। इस कबूलनामे के बाद ऊंट बेचने वाला भड़क गया, उसने अपने हीरे जवाहरात गिनने के लिए थैली को फौरन खाली कर लिया। वह था बड़ी पेशोपेश में और बोला, मेरे सारे हीरे तो यही हैं, तो सबसे कीमती दो कौन से थे जो आपने रख लिए। सौदागर बोला, मेरी ईमानदारी और मेरी खुददारी, जिन जिन के पास यह दो हीरे हैं वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। थैंक यू।